हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज मैं बताऊंगी कि बरसात से पहले प्लांट की क्या केयर करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब बरसात का मौसम है, बरसात आने वाली है। इसके लिए पहले से ही हमको इसकी जो प्लांट की जो केयर की जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये है मेरी हाइबिस्कस प्लांट। इसकी मैंने गर्मियों के कारण इस पर मैंने मल्चिंग कर रखी थी। तो आज मैं क्या करूँगी, इस पहला काम होगा मेरा इसकी जो मल्चिंग की, मैंने पत्तियों से इसकी मल्चिंग की थी। जो पहले जो ये सब मल्चिंग की हुई जो पत्तियाँ है उसको मैं आज हटा दूँगी, और जो अननेसेसरी जो छोटे छोटे घास फूस इस पर उग गए हैं उसको मैं हटा दूँगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी जो जो इसकी जो शाखाएं है जो बहुत लंबी हो चुकी है, इधर उधर फैला हुआ बिखरा हुआ है, उसको भी मैं कटिंग कर दूँगी। ये पूरा नहीं काटूँगी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी इसको काट दूँगी, कि क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हवा चली तो ये प्लांट ना टूटे, इसकी टहनियाँ ना टूटे और फिर ये पॉट भी ना गिरे। इसके लिए मैं इसकी थोड़ी सी ही कटिंग करूँगी। देखिए, अगर ये सब आप अपने प्लांट पर कर लोगे तो प्लांट भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे। देखिए, इसको मैं नहीं काटूंगी, सिर्फ थोड़ी सी ही कटिंग करना है। जो जो पत्तियाँ या जो शाखाएँ आपको अननेसेसरी लगे उसको आप काट देना, वो जो बहुत बड़ी हो गई है। या देखिए, और नहीं काटूंगी, सिर्फ इतना ही काटूंगी। देखिए, और फिर क्या करूंगी, मेरा जो तीसरा काम है इसकी मिट्टी को मैं थोड़ी सी चेंज कर दूंगी। दो तीन इंच तक मिट्टी को, देखिए इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्मियों की धूप में रहते रहते इसकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो गई है इसकी मिट्टी। इसको धीरे धीरे यह ख्याल रखिएगा कि इसकी जो मेन शाखा है वो नहीं काटनी चाहिए। इसको सिर्फ आप ऐसे दो तीन इंच तक इसकी मिट्टी को ऐसे इसकी गुड़ाई कर दीजिए। करने के बाद इसकी इस मिट्टी को आपको हटाना है। इससे मैंने, देखिए ये दो तीन इंच तक मिट्टी को इससे बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी इस पर थोड़ी सी नई मिट्टी जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है इसकी और मस्टर्ड खली की और गार्डनिंग सॉइल की मैंने एक मिक्सचर तैयार करके रखी है, उस मिट्टी को मैं इस पर दे दूँगी ताकि इसको इस बरसात में भी फुल न्यूट्रिशन मिलती रहे। इसको पूरा नहीं भरना, क्योंकि पूरा अगर भर दोगे तो क्या होता है, बरसात की पानी ओवरफ्लो होके आपकी जो जो खाद वाली मिट्टी है उसको भी धोकर फिर नीचे गिरा देगी। इसके लिए पूरी नहीं भरनी, सिर्फ ऐसे एक दो दो इंच को दो इंच छोड़ कर आपको इसके ऊपर मिट्टी डालना है। देखिए, मैंने इसके लिए मस्टर्ड खली और जैविक खाद और गार्डनिंग सॉइल का एक मिक्सचर तैयार करके रखा है, और मस्टर्ड खली की जो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। इसको मैंने पॉलिश नहीं किया क्योंकि इससे धीरे धीरे इस पर गलती रहेगी बारिश के पानी की वजह से, और धीरे धीरे ही ये डीकम्पोस्ट होके प्लांट को न्यूट्रिशन देती रहेगी। अगर आप चाहो तो इस पर आप एक लेयर मल्चिंग भी कर सकते हो। तो फिर इससे क्या होता है,
कि जो आपकी जो ये जो खाद वाली मिट्टी है ये धोकर नहीं जाएगी। देखिए ये अब तैयार हो गई है बारिश पर अपने आप को शरबत करने के लिए, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है, बारिश आने वाली है। तो इसकी मिट्टी को चेंज करने के बाद आप ज़रूर इसमें पानी दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।